हेलो स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर अमित भटनागर प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्नॉमी एट जी बी पंथ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पन्नगर उत्तराखंड वॉट इज द रीजन दैट सैंडी सॉइल हैव लो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इफ वी एड ऑर्गेनिक मैटर कंटिन्यूसली स्टिल ऑर्गेनिक मैटर रिमेन लो वॉल ऑन द अदर हैंड क्ले सॉइल और हैवी टेक्सचर सॉइल हैव हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड शो हाई फर्टिलिटी एंड सॉइल फर्टिलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द ऑर्गेनिक मैटर तो ये जो सैंडी सॉइल होती हैं इसमें ऑर्गेनिक मैटर कम होता है और इस ऑर्गेनिक मैटर कम होने की वजह से सॉइल फर्टिलिटी कम रह जाती है जबकि क्ले सॉइल जो होती है उसमें ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट हाई रहता है तो क्या ऐसा रीज़न है जो सेंडी सॉइल तो मतलब जिसमें बलुई की मात्रा ज़्यादा है वाई ता, सच टाइप ऑफ सॉइल कंटेंट आ, लो ऑर्गेनिक मैटर एक्चुअली ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन सॉइल डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर किसी भी सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो होता है चाहे उसको ग्राम पर के जी सॉइल निकालें या पर हेक्टर में निकालें या परसेंटेज में निकालें जो ऑर्गेन मेटर डिपेंड करेगा वो टू फैक्टर पर डिपेंड करता है नंबर वन वट इज द क्वांटिटी ऑफ ऑर्गन मैटर विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन टू द सॉइल वो क्या क्वांटिटी है जो सॉइल में मिलती है क्वान्टिटी ऑफ ऑर्गेन मैटर इंक्लूडेड इन टू द सॉइल और इन टू द साइल वी कैन से इन टू द सॉइल एंड दिस ऑर्गेनिक मैटर क्वान्टिटी नेचुरली बाई रूट्स बाई प्लांट रूट्स बाई लीव्स by shoots and other vegetative uh, material. So this is a natural uh, supply of organic matter in uh, soil. So supply is very uh, important factor. How much we are uh, supplying into the soil? ki jo soil ke andar natural organic matter jo produce ho raha hai वो वहाँ के vegetation produce करेगा घास हो रही है, पेड़ हो रही है, कोई भी चीज़ हो रही है तो उसकी roots होंगी, उसकी leaf fall होगा, stem होगा वो पौधा नीचे गिर जाएगा तो वो ऐड करेगा ऑर्गेनिक मैटर सो दिस इज द नेचुरल सिस्टम थ्रू विच ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड इन टू दॉयल और क्या हो सकता है और ये हो सकता है वी कैन एड ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम आउटसाइड फॉर एग्जाम्पल वी आर एडिंग एफ वाई एम वी आर एडिंग कंपोस्ट और वी आर एडिंग एनी मैन्योर्स और ग्रीन मैन्योर वाट एवर सो दे आर टू टाइप ऑफ वी कैन से सप्लाई नेचुरल एंड आर्टिफिशियल और वी कैन से फ्रॉम द आउटसाइड तो ये एक सॉइल के अंदर कितना ऑर्गन मैटर प्रोड्यूस हो रहा है या हम कितना डालना है एक, एक तो ये फैक्टर इम्पॉर्टेंट है दूसरा फैक्टर ये इम्पॉर्टेंट है कि जो उसका डिकम्पोजिशन रेट है वॉट इज द डिकम्पोजिशन रेट डिकम्पोजिशन रेट से मतलब ये है कि वो कितनी फास्ट डिग्रेड हो जा रहा है जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है एक्चुअली दिस ऑर्गेन मैटर पे माइक्रोव्स एक्ट करते हैं बिकॉज ऑर्गनी मैटर इज फूड फॉर माइक्रोब्स एंड दिस माइक्रोब्स में भी बैक्टीरिया फंजाई एक्ट्रोमाइसिटीज वाट एवर तो जो भी माइक्रोब्स हैं चाहे फंगस है चाहे बैक्टीरिया इस ऑर्गनी मैटर पर एक्ट करते हैं उसको खाते हैं ऑर्गेनी मैटर को और सी ओ को रिलीज करते हैं और इसके साथ ही ये कॉम्प्लेक्स कम्पाउंड बनाते हैं जिसको हम ह्यूमस कहते हैं एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर फॉर्म्ड ह्यूमस इज फॉर्म्ड सो दिस डिकम्पोजन रेट इज वेरी इंपॉर्टें बिकॉज डिकम्पोशन रेट इज वेरी फास्ट अगर डिग्रेशन बहुत तेजी से हो रहा है तो जितना ऑर्डीमी हम डाला है जैसे सौ किलो डाला है तो बहुत तेजी से खत्म हो जाएगा केवल चार या पाँच किलो बचेगा और अगर डिकम्पोशन रेट स्लो है तो धीरे 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 उसका डिकम्पोजन होगा तो वो जो हमने सौ किलो डाला है वो सत्तर किलो साठ किलो पचास किलो भी रह सकता है मतलब धीरे धीरे होगा तो डिकम्पोजिशन रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो अगर किसी सॉइल के अंदर डिकम्पोजन रेट स्लो है तो जो लीफ आलू है वो लीफ उसके अंदर रहेंगी धीरे धीरे उनका डिपोजिशन होगा रूट्स का भी धीरे धीरे डिकम्पोशन होगा हम जो एफ वाई एम डाल लें उसका धीरे धीरे डिकम्पोजन होगा एंड बिकॉज ऑफ दिस स्लो डिकम्पोशन रेट ऑर्गेनिक मैटर इज मेंटेन इफ डिकम्पोजिशन रेट इज लो इफ डम्पोजिशन रेट इज लो देन ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट विल बी हाई सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ये जो दो फैक्टरों ने बताया सप्लाई का और डिकम्पोजिशन रेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इफ सप्लाई इज हाई देन ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इज आल्सो हाई इफ डिकम्पोजिशन रेट इज स्लो दैन ऑर्ग मेटर कंटेंट इज़ हाई तो ये दो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हैं अगर हम सेंडिस को देखें कि इस्डिस इन विच सेंड इज़ मोर एंड बिकॉज ऑफ लार्जर पार्टिकल साइज जो इसका सेंड का जो पार्टिकल साइज ज़्यादा होता है लार्ज साइड लार्ज साइज जीरो पॉइंट टू एम एम और अगर फाइन सेंड है तो जीरो पॉइंट टू से जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो टू एम एम रहता है तो सैंडिस पार्टिकल्स आर लार्जर पार्टिकल्स एंड दे आर अरेंज इन सच ए वे दैट दिस लार्जर पार्टिकल्स दैट सेंडिस ऑयल का मतलब ये नहीं है कि उसमें सैंड नहीं है इट कंटेंट हाई प्रपोर्शन ऑफ सेंड एंड लो प्रपोर्शन ऑफ सिल्ट एंड क्ले तो इन केस ऑफ दिस सिल्ट प्रपोर्शन इज लेस एंड क्ले परपोर्शन इज लेस एंड सेंड प्रपोर्शन इज हाई सेंड प्रपोर्शन इज हाई सो सेंडिस ऑयल में भी कुछ भी हो सकता है लोमी सैड हो सकती है या सेंडी लोम हो सकती हैं तो ये जो होगा इनमें जो ये अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का इनके बीच में सैंड सिल्ट क्ले ये अरेंज रहेंगे पार्टिकल uh, डिस्ट्रीब्यूशन रहता है एंड दिस पार्टिकल्स मे बी स्फेरिकल मे बी प्लेटी एंड दिस इज कॉल्ड टेक्स्चर एक्चुअली दिस इज द टेक्स्चर नॉट स्ट्रक्चर इट इज टेक्सचर एंड बिकॉज ऑफ दिस टेक्स्चर मीन्स रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट क्ले ये में कितना परसेंट सैंड है सिल्ट है क्ले है उसके अकॉर्डिंगली हम टेक्सचर देते हैं और ट्वेल्व टेक्सचर होते हैं उसका मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है आप उस लेक्चर को देख सकते हैं सो so, टेक्सचर में भी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ सैंड इफ सैंड प्रपोर्शन इज मोर देन इट इज सैंडी इफ क्ले प्रपोर्शन इज मोर देन क्ले इफ सिल्ट सिल्टन इज मोर देन इट इज मीडियम टेक्चर इन केस ऑफ सैड इपोर्शन ऑफ सैंड इज मोर पार्टिकल साइज इज लार्जर देन सिल्ट एंड क्ले तो ये जो स्पेस बन रहा है इसको आप देखेंगे बीच के ज कार्ल्ड माइक्रोपोर दिस इज कार्ल्ड माइक्रोपोर तो जो बड़े बड़े के बीच में जो बनता है दिस इज कार्ड माइक्रोपोर एंड जो स्मॉल पार्टिकल्स है इनके बीच में यह है माइक्रोपोर दिस आर माइक्रोपोर तो इन सच ऑफ सॉइल माइक्रोपोर्स आर मोर एंड माइक्रोपोर एंड मीजोपोर आर लेस मीजो माइक्रो ये साइज के डिपेंड होता है एंड बिकॉज ऑफ माइक्रो पोर अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल यह है तो, तो इसके बीच का ये जो स्पेस है दिस इज दी माइक्रो पोर माइक्रो मीन्स बड़ा और जो स्मॉलर पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जो पोर्स रहते हैं वो कम रहेंगे तो ये जो पोर है दिस आर दाइक्रो पोर अब इन माइक्रो पोर्स में क्या होता है कि एज सपोज देर इज अ वाटर वाटर इज प्रजेंट सपोज कोई इरीगेशन किया या रेनफॉल हुई वाटर है तो क्या होगा कि ये इन दिस माइक्रोपोर वाटर इज ड्रेन ईजिल बाई ग्रेविटेशन फोर्स माइक्रोपोर में ग्रेविटेशन पुल यहाँ पे भी ग्रेविटेशन पुल है यहाँ पे भी ग्रेविटेशन पुल है यहाँ वाटर जो है मूव कर जाता है नीचे बिकॉज माइक्रोपोर्स कैन नॉट रिटेन वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल तो जो ग्रेविटी का जो ग्रेविटेशनल पुल है जो अर्थ का पुल है वो नीचे की तरफ लग रहा है सभी पे लग रहा है नीचे की तरफ तो जो माइक्रोपोर्स का जो वाटर होता है इतना ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है माइक्रोपोर्स में कि ग्रेविटेशन फोर्स से नीचे चले जाते हैं एंड डी इस पोर ड्रेंड वेरी अर्ली एंड नाउ एयर इज प्रजेंट हेयर वाइन इन केस ऑफ माइक्रोपोर ग्रेविटेशन पुल इज दे एयर ग्रेविटेशन पुल इज देयर बट वाटर इज नॉट ड्रेनड डाउनवर्ड यहां पर भी लग रहा है लेकिन डाउनवर्ड इसलिए नहीं होता क्योंकि कैपलरी एक्शन जो होता है एडिजन कोइजन फोर्स उसके अंदर वाटर मेंटेन रहता है और इसी को हम कैपलरी वाटर कहते हैं क्योंकि कैप्लरी पोर्ट्स बनाते हैं माइक्रोपोर्ट्स माइक्रोपोर्ट्स कैप्लरी पोर्स हैं अब यहाँ क्या है एयर आ गई अब यहाँ क्या है माइक्रोपोर्स में केवल वाटर है यहां एयर है अब जैसे ही एयर मिलेगी इन एयर ऑक्सीजन इज देयर तो माइक्रोब्स क्या करेंगे तुरंत ऑर्गेनिक मैटर पर एक्ट करेंगे बिकॉज दिस माइक्रोब्स रिक्वायर ऑक्सीजन इसको आप देखिए इस इक्वेशन को दिस रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर द डिकम्पोजिशन मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स आर एरोबिक तो जो अधिकतर माइक्रोब्स हैं बैक्टेरियां जो हैं वो एरोबिक कह मतलब उनको ऑक्सीजन चाहिए तो जैसी ऑक्सीजन मिलती है पानी ड्रेन हो जाता है इरगेशन या रेनफॉल के बाद उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और तुरंत क्या होगा डिकम्पोजिशन रेट क्या होता है फास्ट हो जाता है तो देर इज वेरी फास्ट डिकम्पोजिशन रेट तो जो भी इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर था जो भी ऑर्गेनिक मैटर था ये तुरंत सी ओ टू में कन्वर्ट हो जाता है तो डिकम्पोजिशन रेट इज फास्ट सो ऑर्गेनिक मैटर इज लो तो पहला तो रीजन ये हो गया जबकि क्ले सॉइल में क्या रहता है मॉइस्चर ज्यादा रहता है यहाँ ऑक्सीजन कम रहती है ऑक्सीजन कम एयर uh, कम रहेगी तो ऑक्सीजन कम रहेगी तो जो डिकम्पोजिशन रेट है वो uh, क्या रहेगा स्लो रहेगा जब स्लो रहेगा तो ऑर्गोमेटर कंटेंट क्या रहेगा ज्यादा रहेगा जबकि यहाँ क्या है ऑक्सीजन ज़्यादा है डिकम्पोजिशन रेट ज्यादा हो गया तो ऑर्गोमेटर कंटेंट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो ये एक रीजन रहता है माइक्रोपोर्स ज़्यादा होने की वजह से एरेशन ज़्यादा है वाटर नीचे चला जाता है तुरंत रिटेन ही नहीं कर पाती ये माइक्रोपोर्स एंड डिकम्पोजिशन रेट इज फास्ट तो दिस इज द फैक्टर डिकम्पोजिशन रेट फैक्टर

वेदरिंग होकर के न्यूट्रेंट्स रहते हैं सीई सी ज़्यादा होती है कटान एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा होती है बफिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है एंड दे कैन रिटेन द न्यूट्रेंट तो न्यूट्रेंट वाइज जो क्ले ऑयल में न्यूट्रेंट ज्यादा है जबकि सेंडिस ऑयल में न्यूट्रेंट कम है तो फर्टिलिटी इज लो इन केस ऑफ सेंडी सॉइल वॉयल इन केस ऑफ क्ले सॉयल फर्टिलिटी इज़ हाई सो क्लेस ऑयल्स आर मोर फर्टाइल देन सेंडिस ऑयल अब सेंडिस ऑयल की फर्टिलिटी कम है तो जो उसके अंदर जो रूट्स बन रही हैं जो लीफ बन रही हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो कम है तो सप्लाई भी क्या है ऑर्गोमेटरी कम है वाइल इन केस ऑफ क्लेस ऑइल फर्टिलिटी इज़ हाई इनहेरेंट कैपेसिटी इज़ हाई मोर कॉटन एक्सचेंज कैपेसिटी न्यूट्रेंट सप्लाई ज़्यादा रहती है तो वहाँ वेजिटेशन ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है वहाँ घास हो चाहे पेड़ हो या कोई भी हम क्रॉप ग्रो करें राइस करें वीट करें फील्ड क्रॉप ग्रो करें जो भी हम क्रॉप करें चाहे कोई ग्रास हो तो वहाँ जब ग्रोथ ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वहाँ की रूट्स ग्रोथ भी ज़्यादा होगी लीफ फॉल भी ज्यादा होगा तो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट भी वहाँ क्या होगा ज्यादा होगा तो इन केस ऑफ सेंड इस सप्लाई इज लो एंड डीकम्पोजिशन रेट इज फास्ट दैट्स वाई मैटर कंटेंट इज लो वाइल इन केस ऑफ क्ले इस सप्लाई इज मोर बिकॉज दे आर मोर न्यूट्रिएंट एंड डी रेट इज स्लो दैट्स वाई देर इज़ हाई ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट सो दिस इज द रीजन दैट सैंडी सॉइल हैव लोअ ऑर्गिमीटर कंटेंट एंड क्ले सॉइल्स हैव हाई ऑर्गिमेटर कंटेंट तो ये आपको लेक्चर सुन में आ गया होगा कि ये क्यों आ, ऐसा हो रहा है इसको बहुत ब्रीफ में फिर से मैं आपको बता देता हूँ हालाँकि इसको मैंने एक्सप्लेन किया है आपको सुन में आ गया होगा द सप्लाई एंडी कंपोजिशन रेट आर रिस्पॉन्सिबल एंड इनकेस ऑफ सैंडी सॉइल सैंडी सॉइल सप्लाई इज सप्लाई ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज लो

कंटेंट जो है वो ज़्यादा है सॉइल में और अगर डिकम्पोजिशन रेट देखें तो यहाँ डिकम्पोजिशन रेट कम है बिकॉज मोस्ट ऑफ द दॉय मोस्ट ऑफ़ द पोर्स वाटर इज देयर कैपलरी वाटर इज देयर सो ऑक्सीजन कंटेंट इज कम लेस तो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन रेट इज कम कम हो जाता है तो जो ये ऑर्गेनिक मैटर है इसका रेट कम है इसका रेट कम होने की वजह से ये ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में बना रहेगा तो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इज़ हाई और यहाँ जो ऑर्गेनिक मैटर आया था उसका डिकम्पोजिशन रेट फास्ट हो गया उस कारण से ऑर्मेटर कंटेंट क्या हुआ कम हुआ सो दे आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाट इज द सप्लाई सप्लाई फैक्टर एंड डिकम्पोजिशन रेट जिसको मैंने डी लिखा है दीज टू फैक्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट्स वाई इन क्ले सॉयल ऑर्मेटर कंटेंट मिन हाई तो अब संडी सॉइल में हमें क्या करना चाहिए ऑर्मेटर कंटेंट को मेंटेन रखने लगे कंटिन्यूअसली सप्लाई तो हर सीजन में हर बार हमें जो भी हमें ऑर्मेटर मिले चाहे वाई मिले गोबरी खाद मिले कंपोस्ट मिले लीफ फॉल मिले हमको कंटिन्यूस सप्लाई सेंडिसयल में करनी चाहिए हालांकि वो एग्जॉस्ट होती रहेगी लेकिन डिकम्पोशन जब होता रहेगा तो न्यूट्रेंट भी रिलीज होते रहेंगे और उससे फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी तो अगर आप कंटिन्यूस सप्लाई करते हैं देर इज सप्लाई कंटिन्यूसप्लाई ऑर्गोमेटर इन फॉर्म ऑफ एफ वाई एम इन फॉर्म ऑफ कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट व्हाट एवर ग्रीन मेन देन फर्टिलिटी इज मेंटेन सो दिस इज द रीजन दैट सॉइल्स हैव सेंडिसटर एंड क्ले सॉइल हैव क्लेस ऑयल है थैंक यू वेरी मच